अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी तो राममय है ही, साथ ही सभी राम भक्त भी अपने आराध्य की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जो नजारा आप देख रहे हैं वो है अयोध्या के सीता रसोई का। यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मुफ्त में भरपेट भोजन कराया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में मां सीता की रसोई के द्वारा अयोध्या शहर को सजाने वाले मजदूरों के लिए भी पूर्ण भोजन की व्यवस्था की गई है। रसोई से प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहां आए सभी भक्त भोजन की गुणवत्ता से बहुत खुश हैं। हम रुद्रप्रयाग जिला से आए। क्या नाम है आपका? जमुना देवी। कैसा लगा यहां पे? बहुत अच्छा लगा। हम वो लक्ष्मी बेटी की कब बहुत बहुत आभारी हैं जो हमको यहाँ दिखाने को लाए। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, रहने को भी अच्छा, खाना भी अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम उत्तराखंड से आए हैं, जिला हमारा रुद्रप्रयाग है, और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छी व्यवस्था है रहने को, खाने को, और सबसे अच्छा हमें राम अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है हमको अयोध्या। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। पीएम मोदी इस अवसर पर संतों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया था। इसके बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य जारी है।